हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन क्लास। दिस इज बबीता, योर ईवीएस टीचर। स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर नंबर 8। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? यूजेस ऑफ एनिमल्स। इन प्रीवियस क्लास वी हैड अंडरस्टूड अबाउट मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स एंड एग्स, मीट एंड हनी। In this class, we are going to understand fibers and clothes. First, write day, date and classwork. Okay. After that, let's start our topic. So, fibers and clothes. बहुत सारे बच्चों ने question किया था, ma'am fibers क्या होते हैं, fibers क्या होते हैं? और मैंने एवरी टाइम आंसर किया है, फिर भी बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज थे। फाइबर्स वो थिंग होती है जिससे आपके क्लोथ्स बनते हैं। ओके, प्लांट्स वाले चैप्टर में फाइबर्स किससे मिल रहे थे? प्लांट्स से। ओके, इन दे आर इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि फाइबर हमें किससे मिलेंगे। सो फर्स्ट है वूल। वी गेट वूल फ्रॉम शिप विच इज द हेयर ऑफ द शिप। हेयर ऑफ शिप, सो वूल से हमें क्या मिलता है? वूल। शिप से, सॉरी, शिप से क्या मिलता है? वूल। और वो क्या होता है? हेयर ऑफ शिप, जो शिप है उसके बाल होते हैं वो। ओके, वी मेक वुलन क्लोथ्स फ्रॉम वूल विच कीप्स अस वार्म इन विंटर। वुलन क्लोथ्स क्यों पहने जाते हैं? वो टेल मी, विंटर में, सर्दियों में हमारी बॉडी वार्म रहे, गर्म रहे। ओके, सो वी मेक वुलन क्लोथ्स फ्रॉम वूल विच मे कीप्स अस वार्म इन विंटर। ओके, हम वुलन क्लोथ क्यों पहनते हैं? ताकि विंटर में हमारी बॉडी वार्म रहे। शिप से वूल बना, वूल से आपकी कैप, ग्लव्स, कोट, स्वेटर, जैकेट्स, कुछ भी आपके बनते हैं। ओके, सिल्क वॉर्म्स गिव अस सिल्क फाइबर्स विच आर यूज फॉर मेकिंग ब्यूटिफुल एंड अट्रैक्टिव सिल्क क्लोथ। सिल्क जो है, देखो इन दिस पिक्चर, ये सिल्क वॉर्म होते हैं, ठीक है? ये कीड़े होते हैं, वॉर्म्स होते हैं, सो ये सिल्क बनाते हैं। इससे हमें क्या मिला? सिल्क मिला। सिल्क से क्या बने? क्लोथ्स बने। सो वूल भी फाइबर में आता है और सिल्क भी, ये फाइबर टाइप्स ऑफ फाइबर हैं, ठीक है? सो सिल्क आपको किससे मिलता है? सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है विच आर यूज फॉर मेकिंग ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव सिल्क क्लोथ। जो सिल्क के क्लोथ होते हैं ना, वो बहुत ब्यूटीफुल दिखते हैं, शाइनिंग दिखते हैं, और बहुत शाइनी के साथ साथ मुलायम होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो वो बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं। लेदर। लेदर इज मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ डिफरेंट एनिमल्स सच एज बुफेलोज, कैमल्स, क्रोकोडाइल्स, स्नेक्स एक्सेट्रा। अब लेदर क्या होता है? लेदर ना हमें डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल से मिलता है, उनकी स्किन होती है, स्किन ऑफ डिफरेंट एनिमल्स सच एज, एग्जाम्पल के लिए बुफेलोज, कैमल्स, क्रोकोडाइल्स, स्नेक्स, ये जो एनिमल्स हैं इनकी स्किन से लेदर बनाई जाती हैं। दिस लेदर इज यूज टू मेक जैकेट्स, ग्लव्स, ट्राउजर्स एक्सेट्रा। तो इन लेदरों से क्या बनती है? लेदर से जैकेट्स, ग्लव्स, ट्राउजर्स, आपके शूज, पर्स, बेल्ट, बैग, बहुत सारी चीज़ें लेदर से बनती हैं और एनिमल की स्किन से बनाई जाती हैं। वी वियर लेदर जैकेट्स एंड ग्लव्स इन विंटर। सो लेदर जैकेट आप समर में नहीं पहन सकते, वो बहुत आपको वार्म करेगी बॉडी को, वो थोड़ी हार्ड होती है, थोड़ी हार्श होती है, थोड़ा उसका फैब्रिक मोटा होता है। सो वो जैकेट्स और ग्लव्स कब पहने जाते हैं? विंटर में। सो वो वाई कीप अस वार्म। ओके, वार्म रखने के लिए। आर्टिकल्स सच एज शूज, पर्सेस, बेल्ट, बैग्स एक्सेट्रा आर ऑल्सो मेड फ्रॉम लेदर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि लेदर से शूज, पर्स, बेल्ट, बैग्स सभी बनते हैं। आर्टिकल्स, हेयर इज मीनिंग ऑफ आर्टिकल्स इज थिंग। ओके, चीज़ें और भी जो बहुत सारी चीज़ें हैं लाइक शूज, पर्सेस, बेल्ट, बैग, ये सारी चीज़ें भी किससे बनती हैं? लेदर से, एनिमल स्किन से।
In places where it is cold, the fur of animals is used to make coats, hats and gloves. जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है ना, places where it is very cold, the fur of animals, फर उनकी skin, जो फर वाले animal होते हैं like polar bear और भी बहुत, जो आपने पीछे शिप का पढ़ा था ना, तो वो भी उसके क्या है, वो उसके हेयर हैं. ओके, सो फर वाले जो एनिमल्स होते हैं जिनकी बहुत सॉफ्ट स्किन होती है और उनके फर होते हैं लाइक बियर, सो उनकी स्किन से कोट्स, हैट्स और ग्लव्स बनाए जाते हैं. व्हाई? विंटर में और कोल्ड रीजन में पहनने के लिए. ओके, सो स्नेक की स्किन, क्रोकोडाइल की स्किन, कैमल की स्किन, इनसे फिर ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं. ओके स्टूडेंट्स, होप यू विल अंडरस्टैंड. थैंक यू, बाय.